हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 4 साइंस, दैट इज क्लोथ्स वी वियर. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विद द डी पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं. इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है. आप व्हाई डू वियर क्लोथ्स वाले पैराग्राफ से आपने स्टार्ट करना है. वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट हीट कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट बाइट. बस यहाँ तक आप लिख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन टू स्पोर्ट्स टीम हैव स्पेशल यूनिफॉर्म, का आंसर आपको 83 पेज पे मिल जाएगा. देखिए स्टूडेंट, स्पोर्ट्स प्लेयर से लेकर आपने लिखना है. या तो आप प्लेइंग फ्रॉम तक लिख सकते हो या फिर पूरा पैराग्राफ इनकमिंग बॉल्स तक भी कवर कर सकते हो. वैसे आप प्लेइंग फ्रॉम तक भी लिखोगे तब भी आंसर सही ही माना जाएगा आपका. इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज ड्राई क्लीनिंग. तो ड्राई क्लीनिंग वाले का जो है आपका वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 86 पे. जो आपका थर्ड पैराग्राफ है, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, आपने ये वाली लाइन नहीं लिखनी है. आपने स्टार्ट करना है दे कैन ऑल्सो, आपने दे की जगह पे क्लोथ्स लिखना है. क्लोथ्स कैन ऑल्सो बी क्लीन्ड विद पेट्रोल, दिस इज कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग. लिख के आपका फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेम टू नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर में आप वूल और सिल्क भी लिख सकते हो और कॉटन भी लिख सकते हो. नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, हाउ कैन वी कीप इंसेक्ट अवे फ्रॉम अवर क्लोथ्स. तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो. क्लोथ्स मस्ट बी ड्राइंग वाला और क्लोथ्स ऑफ बेबी वाला, ये दो पैराग्राफ्स में से ये दो पॉइंट्स आप लिख सकते हो. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा ई पार्ट है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे कवर. अभी तक के लिए इतना ही. और जो सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है वो